का अपना जमुई में। देखिए अभी हम मौजूद हैं जमुई के बरहट इलाके के महादलित टोला में और छठ पर्व के पहले पीएम किसान जो है योजना का 15वीं किस्त जारी हुआ है और कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि इसका लाभ ये किस रूप में इस लाभ को ये देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जितेंद्र तुरी। अच्छा, पीएम किसान के लाभार्थी आप भी हैं? जी हाँ। अच्छा, 2000 मिला? जी मिला। तो अच्छा, तो क्या कहिएगा, बहुत अच्छा छठ पर्व के समय पे। छठ पर्व के समय में 2000 रुपया मिल गया गरीब के लिए, बहुत बड़ा उपकार हुआ, जो कि कम से कम तो गरीब आदमी छठ पर्व को अच्छे से अच्छे ढंग से निभा सके हैं। और मिलने के बाद जो है गरीबों के बीच बहुत बड़ा एक उत्साह हुआ, जो कि छठ पर्व के नाम पर 2000 रुपया मिल गया गरीब को, ये हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं। ये योजना जो है वास्तव में जमीन तक पहुंच रहा है लोगों तक? जी, ये योजना जमीन तक पहुंच रहा है लोगों तक, और यानी कि बहुत ऐसे लोग हैं, किसान हैं, ये यानी कि मध्यम वर्ग के जो भी किसान हैं उनको भी ये फायदा मिल रहा है और आज वो बिल्कुल खुश हैं। तो क्या लगता है दोबारा 24 में मोदी जी का आगमन वापसी हो पाएगा? हो पाएगा, हो पाएगा, एकदम निश्चित है, गारंटी है कि हो पाएगा। निश्चिंत है, जो कि फिर से ही उनका ही विजय ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी जिंदाबाद ही जिंदाबाद रहेगा, चूंकि कि गरीबों के लिए बहुत ही उपकार किया है, गरीबों को चावल अनाज ये मोदी जी दे रहे हैं, 2000 रुपया दे रहे हैं, आयुष्मान के लिए हम लोग को 5 लाख रुपया गरीबों का फायदा के लिए दे रहा है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और इससे हम लोग बहुत आनंद है, गरीब आदमी आनंद है, ये लेके हम लोग अगला ही भविष्य के लिए मोदी जी का ही राज रहेगा और मोदी जी भी पीएम बनेगा। तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के रेस में, क्या लग रहा है नीतीश कुमार बन पाएंगे? जी नहीं, नीतीश कुमार यहीं रह जाएगा, अब की उसको मुख्यमंत्री ही बनना वो बिल्कुल बेकार है। तो क्या मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? सवाल ही नहीं है। कैसे बताइए? अरे उनका जो जितने भी नीतीश कुमार जो है ना, वो गरीबों के लिए जो कहा था वो ने अपना पूंजीपति के साथ हो गए हैं और ने भविष्य के लिए वो अपना ने काम बिगाड़ दिया है। क्या काम बिगाड़े? विकास तो कहते हैं कि हम बिहार में बहुत किए हैं, शराबबंदी किए हैं, सुशासन का राज है। जी नहीं, सुशासन का राज है, शराबबंदी कर दिया है वो ठीक है, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए वे ने इतना ही वो घोटाला कर दिया है, जो कि ही आगे ही भविष्य में उसका ही मुख्यमंत्री ही बनना मुश्किल है। अच्छा, क्या लग रहा है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में, वो भी अपने आप को मानते हैं, तो क्या लगता है? नहीं, उम्मीद नहीं है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देखे और प्रधानमंत्री बनने का उम्मीद नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम 84 वर्ष के हो गए हैं तो 95 वर्ष के हो गए, फिर भी उनके आवाज में वो भ्रष्ट आवाज निकलता है, आवाज में लैंग्वेज को क्या होना चाहिए, कैसे लैंग्वेज को बोलना चाहिए, वो मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा, और यानी कि इनके पास है वो, यानी कि दिमागी जो है वो खो बैठा है, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, प्रधानमंत्री। अच्छा, तो ये जो है विधानसभा में उन्होंने एक भाषण दिया था हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण पे, आप लोग सुने हैं? एकदम सुने हैं। कैसे देखते हैं उसको? हम लोग तो उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनके मुंह से हम लोग खूब सुने हैं कि वो कह रहे थे कि इतना जो जनसंख्या बढ़ रहा है, इतना जो यानी कि पैदा कर रहा है, तो ये अपशब्द उनको बोलना नहीं चाहिए, इसलिए कि अपशब्द बोलने के बाद बहुत से महिलाएं हैं, बहन जी है,
बच्ची लोग है और आप शब्द कह देना, इसलिए आप शब्द में ही वो कहे हैं कि डालना कम है। अरे डालना कम क्या डालना कम है, तो इसी में तो मोदी जी ये जो है आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो फेलियर होते जा रहे हैं और कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री का सपना देते हैं, प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएगा वो। तो चलिए बता रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया। धन्यवाद।